మానవ మనుగడ ప్రకృతితో ముడిపడి ఉందని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన గంగా ఉత్సవ్ 2021 సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరిధిలో జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడాలన్నారు. దీంతోపాటు నదుల పరిరక్షణను బాధ్యతగా తీసుకుని భవిష్యత్ తరాలకు స్వచ్ఛ నదీ జలాలను అందజేయాలని సూచించారు. तो आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाल नहीं देख पाएंगे. सब जानते हैं या सारे लोग जिन विधाओं में अपना काम करते हैं वो जानते हैं कि पानी पीने लायक पानी की एक बूंद प्रकृति से ही मिलेगी, विज्ञान नहीं बना सकता. ये सब जानने के बावजूद भी हमारी नियत की जो ताकत होनी चाहिए, जो विवेक को जागृत करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, मुझे लगता है हम आप तो अवलोकन करें तो बेहतर होगा. हम किसी पर उंगली ना उठाएं तो अच्छा होगा. हम अपने योगदान के बारे में सोचें कि हम कितने उसमें भागीदार बने हैं. और मैं कह सकता हूं कि जो उसमें हिस्सेदार है वो आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने वाला पथिक है, दूत है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं. मैं मां नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो गिलहरी के समान थोड़ा बहुत काम करने का मुझे जीवन में अवसर मिला है. तब मैं लिखता था, तब मेरी भूमिका अलग थी. तब मैंने कहा था नदी को नहर मत बनने दो. वो लगातार इस अभियान को हम चलाते थे. लेकिन आज मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा. मैं कहूंगा कि नदी को नहर की तरह मत देखिए. नहर हमारी और आपकी इच्छा से बहती है. उसके निर्माण में हमारी तकनीक और हमारी बुद्धि कौशल का प्रयोग होता है. लेकिन नदी का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से नहीं बनता. हमारा अस्तित्व नदी के अस्तित्व